बारिश की मार किसानों पर बखूबी पड़ी है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के ब्यूरो हेड सुभाष कौर ने दुकानदारों से बात की, साथ ही लोगों से जाना कि कैसे बढ़ती महंगाई जनता की जेब ढीली कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, और आज महंगाई को लेकर हम राजधानी देहरादून की सब्जी मंडी में पहुँचे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजधानी देहरादून में भी अन्य राज्यों के तुलना में महंगाई देखने को मिल रही है, और सब्जी के दामों में यहाँ किस तरीके की वृद्धि देखने को मिल रही है। बरसात भी है और ये देखा जा रहा है कि मंडी में जो लोग हैं सब्जी लेने कम आ रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं, क्या कारण है महंगाई के विषय ऐसा है? हाँ, क्या क्या चीज़ महंगी हो रही है सर? टमाटर, आलू, प्याज महंगी। कितने रुपये बेच रहे हैं आप? 100 का 3.5 किलो प्याज है, 100 का 5 किलो आलू। और टमाटर? टमाटर 120 रुपये किलो। यही वजह है कि लोग कमा रहे हैं। महंगाई जैसे कि महंगाई की वजह से भी लोग नहीं आ रहे, और इस बीच में मौसम इस तरीके से लगातार खराब, और खासतौर से राजधानी लगातार महंगाई हो रही, तो ये कुछ बड़ी वजह है। हमारे साथ एक घरान है सर, जिस तरीके से लगातार सब्जी मंडियों में सवाल तो होते रहिए, क्या मानते हैं कि आप लोग सब्जी पहले की तुलना में कम खरीद रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, जरूरी चीज़ तो खरीदनी पड़ेगी है ना, घर में चूल्हा है तो वर्क, अब महंगा हो सस्ता तो खाना तो वही। सर टमाटर के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो आप पहले कितना ले जाते थे और आप कितना ले जाते हैं? मैं तो आज भी 1 किलो ले जा रहा, तब भी 1 किलो ले जाता था। महंगाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा? महंगाई तो हो रही है, बट क्या करना, जरूरत की चीज़ है तो खाना तो पड़ेगा, जरूरत की चीज़ें खानी तो पड़ेंगी। हालांकि जो तो है पहले टमाटर 1 किलो ले जाते थे, वो आज भी 1 किलो ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद टमाटर का सेवन बहुत कम करते हुए राजधानी देहरादून के अन्य राज्यों में भी नजर आ रहे हैं। महंगाई की वजह से न केवल राजधानी देहरादून बल्कि पहाड़ों में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से सुभाष कौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इन सब्जियों के बढ़ गए दाम, शिमला मिर्च, कद्दू, गोभी और बैंगन की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। गोभी और कद्दू के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ खबरों की माने तो पिछले 15 दिनों के दौरान सब्जियों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। एक महीने पहले अदरक 100 रुपए प्रति किलो था और आज ये 300 रुपए किलो हो चुका है। 15 दिन पहले 100 रुपए में सब्जी जरूरत भर की मिल जाती थी, लेकिन आज के समय में 200 रुपए देने के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में टमाटर 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वही बढ़ती महंगाई को लेकर संभर से हमारे रिपोर्टर प्रदीप मिश्रा ने दुकानदारों के साथ साथ महिलाओं से भी बातचीत की कि कैसे बढ़ती महंगाई उनके खाने का स्वाद फीका कर रही है। क्या कहना है उनका, देखिए। समय लगातार सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ सब्जी मंडी में भाव बढ़ने सब्जियों का हम देखेंगे लोग कैसी महंगाई की मार झेल रहे हैं। टमाटर जहाँ 120 रुपये से 60 रुपये बताया जा रहा है, वहीं अन्य सब्जियों का भाव बढ़ने, ऐसे में हम दुकानदार इनसे पूछते हैं कि यहाँ देखिए आप कोई ग्राहक नहीं है, आपका कोई ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा, सब्जी की जो महंगाई की मार झेल रहे हैं दुकानदार यहाँ के, हम ऐसे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल, क्या आप सब्जी बेच रहे हैं, क्या भाव चल रही है इस समय? समय तो बहुत महंगी है, बारिश से मारे गए सर। बारिश से मारी गई तो जब तुरई है, तुरई पहले क्या रेट थी, आज क्या रेट है? पहले 20 रुपए किलो, हमें 50 रुपए किलो। फिर भिंडी? भिंडी पहले 20, हमें 40 रुपए किलो। लौकी पहले 20 थी, 15, अब 40 रुपए किलो। ऐसे में दुकानदारी पे क्या फर्क पड़ रहा है? दुकानदारी महंगाई है, आदमी कम दुकानदारी हो रही है, जब सब्जी महंगी है तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं। कम आ रहे हैं भैया, खाली पड़ा और मिर्चे ही 30-40 किलो, मिर्चा 80 रुपए किलो, मिर्चा 80 रुपए किलो है। हाँ साहब, ऐसे में और भी हैं दुकानदार, उनसे हम बात करते हैं। मतलब दुकानदार, क्या नाम है आपका? फूलपति। इस समय टमाटर क्या भाव चल रहा है? टमाटर बतेरा मक्का है। क्या भाव है इस समय? 120 रुपए। 120 रुपए। अरे पहले क्या भाव बिक रहा था टमाटर? पहले तो 20 के 5 किलो बिक रहे थे, पहले का क्या हिसाब है? अरे पहले बारिश से मारा गया। बारिश से मारा गया और क्या? तो लगातार जैसे ये है तुरई है, लौकी है, मतलब इन चीजों का क्या है? ये सब ये सारी बारिश से मारी गई, अब तो महंगी है। कोई कोई ठाट फड़ा तो खेतों में 20 रुपए किलो है, अब 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो सब्जी। मतलब पहले ग्राहक आ रहे थे, इस समय ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ग्राहक महंगाई में क्या हिम्मत पड़ा है इस महंगाई को देख के?
बच्चों की क्या हिम्मत पड़ा बच्चों को खवाने के लिए इस महंगाई को देख। काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस समय गोभी क्या भाव चल रही है? तो वो भी तो 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो है, लेकिन ये खराब लग रही है ऐसे। हाँ तो ऐसी आ रही है बाहर से बारिश की वजह से। अरे बारिश की वजह से? हाँ बारिश की वजह से आ रही है। सर बताइए, हम अपने मध्यम वर्ग की जो महिला हैं, किस तरह अपने घर का खर्चा चलाती हैं? घर का किराया भी देना होता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब कहाँ से करेंगी? रसोई का बजट तो बहुत ही गड़बड़ा रहा है बिल्कुल। इस समय टमाटर 160 है और रसोई सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। हमारा बजट तो किचन का बिल्कुल ही गड़बड़ा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, जो घर में एक महिला रहती है उसका जो घरेलू वाइफ होती है वही घर में काम करती है और उसी को ही रसोई का बजट देखना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में जब घरेलू बजट ही बिगड़ेगा तो महिला कैसे करेगी सारे काम को, बताइए। भाव देखकर छूट रहे पसीने। खबरों के माने तो ऑनलाइन रिटेल मार्केट में भी 400 से 600 ग्राम गोभी की कीमत 80 से 100 रुपए है। मुंबई में टमाटर करीब 150 रुपए और 1 किलो अदरक की कीमत 200 से 300 रुपए पहुंच गई है। धनिया की कीमत 200 से 350 रुपए है। वहीं ऑनलाइन मार्केट में अदरक 302 रुपए प्रति किलो और टमाटर 100 से 120 रुपए किलो है। बेंगलुरु में टमाटर की कीमत 160 रुपए प्रति किलो है। वहीं कुछ जगहों पर इसकी कीमत 170 रुपए प्रति किलो भी है। मिर्च, अदरक और अन्य सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में टमाटर 140 रुपए किलो बिक रहा है। होलसेल में टमाटर 2200 से 2300 रुपए पर कैरेट बिक रहा है। धनिया और मिर्च की कीमत 125 रुपए प्रति किलो है। बिहार की बात करें तो यहां 1 किलो गोभी 60 रुपए प्रति किलो है। प्याज की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। धनिया की कीमत 110 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। अदरक 132 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है, इसलिए बढ़ रही है कीमत। आमतौर पर जून और जुलाई के महीने में अधिकतर टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है। इसका कारण है बारिश के मौसम में टमाटर और तमाम अन्य सब्जी लंबे समय तक नहीं रखी जा सकती और ना ही इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। अब ऐसे में इनकी आपूर्ति बाधित होती है। हालांकि इस साल टमाटरों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहीं कानपुर से हमारे रिपोर्टर सुनील कुमार ने भी सब्जी मंडी पहुंचकर जायजा लिया है। क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, देखिए। सब्जी की बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी के ऊपर खासा महंगाई का सामना देखने को पड़ रहा है और आम आदमी के जेब बैंक खाली हो रही है। इसी को लेकर इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर कानपुर के विजयनगर मार्केट में। यहाँ पर सब्जी मार्केट में कुछ लोग हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। सर गोविंद कुमार, सब्जी है जो बहुत महंगी है। यस सर, बहुत महंगी है, गरीब आदमी कैसे खाएगा बताइए? उसका जीना तो दुश्वार है सब्जी रेट सुन के, और मजदूरी का आप देख रहे हैं कैसे क्या होगा। इसके लिए ये कहेंगे कि भाई अब जैसे छोटा आदमी कम तनख्वाही है उनके 2-4 हज़ार में, आप किसी तरीके वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं भाई, अब करें क्या आदमी। जहाँ मतलब अब उनका पावर आधा किलो लेगा तो 100 ग्राम से काम चला रहे हैं, किसी तरीके पर बस्ती तो करना ही है। तो इसमें आरोप लग रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्जी की बात करें जैसे टमाटर है, मिर्चा है, अदरक है, ये बहुत महंगा है। इसमें कुछ मठाधीश है उसमें ये लोग डंप कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ सामने आया है क्या? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा है कि 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो टमाटर जब बिका था फेंका गया, जो चीज है नहीं उसके लिए ये नहीं कि जो नया माल निकल रहा है उतना उसी औसत से अब खाने वाले ज्यादा हैं, पैदावार कम है इसलिए महंगा है। तो कुल मिला के पैदावार नहीं होने? हाँ बस सब्जी महंगी है, उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा है, कम उत्पादन है, खाने वाले ज़्यादा हैं, पब्लिक ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए वो महंगाई अब चल रही है, उसी हिसाब से अपना काम लोग कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग्स ने भी मेन्यू से हटाया टमाटर। बता दें कि टमाटरों के आसमान छूती कीमतों का असर सिर्फ आम आदमी के बजट पर ही नहीं पड़ा है बल्कि रेस्टोरेंट और फूड चेन्स पर भी इनका असर पड़ने लगा है। हाल ही में मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग ने भी अपने कुछ आउटलेट्स में अपने प्रोडक्ट्स में टमाटर के इस्तेमाल को बंद कर दिया है। हालांकि इसकी वजह टमाटर की महंगाई नहीं बल्कि टमाटर की अच्छी क्वालिटी उपलब्ध न हो पाना बताया है। मैकडॉनल्ड्स की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मेन्यू से टमाटर को हटाने का फैसला सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और फूड की बेहतर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए लिया गया। सब्जियों के बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि टमाटर एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत सप्ताह के दौरान बढ़ी है। हम सभी जानते हैं कि बेमौसम बारिश के कारण टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं। गोयल के मुताबिक जैसे ही हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के साथ कुछ अन्य स्थानों से टमाटर आना शुरू हो जाएगा कीमतें कम हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि अगर हम पिछले साल से कीमतों की तुलना करें तो ज्यादा अंतर नहीं है, आलू और प्याज की कीमतें नियंत्रण में हैं।